सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि डॉक्टर बत्रा के क्लिनिक से मुझे क्या क्या मिला है और क्या क्या मैं अपने बालों के लिए ले रहा हूँ। सो मैं आज बताने वाला हूँ कि एक मुझे न्यूट्रिशन भी मिला है जो कि 2 हफ्ता पहले लेके आया था, तो उसको भी मैं रेगुलर ले रहा हूँ। और पिछले वीडियो में बताया था कि शैम्पू और सीरम जो है इसको भी कैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ, डॉक्टर ने कैसे बोला है। तो आज मैं बताऊंगा कि मैं जो न्यूट्रिशन लेता हूँ उसको मैं कैसे लेता हूँ और किस तरह से मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। तो एक्चुअली डॉक्टर ने बोला है कि आप दूध में भी ले सकते हो और दूध नहीं पीते हो, दूध से कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पानी में भी ले सकते हो, मतलब गर्म पानी करके हल्का वार्म वाटर उसमें भी ले सकते हो। आपको सुबह शाम ऐसे ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है सुबह शाम। तो मैं सुबह शाम तो नहीं ले पाता हूँ, मतलब मोस्टली मैं नाइट में ही लेता हूँ क्योंकि सुबह में जल्दी जल्दी टाइम नहीं मिल जाए, ड्यूटी जाना रहता है जॉब पे, तो दिन में दिन भर जॉब पे रहो, शाम को आओ फिर खाना वाना खाके। तो मोस्टली मैं प्रीफर करता हूँ रात को ही, मतलब कि खाना खाने के बाद सोने से पहले मैं उसको लेता हूँ, तो वो भी मैं ले रहा हूँ। न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी है बालों के लिए क्योंकि न्यूट्रिशन से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बालों पे। बाल जो कमजोर हो जाते हैं, बाल गिरने का जो रीजन है उसमें न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप सही से डाइट नहीं ले रहे हो, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, तो बाल तो गिरेंगे। तो उन्होंने बोला था कि आप बाहर से भी ले सकते हो, बट मेरे पास भी है तो आप ये लोगे तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा मतलब अच्छा रहेगा। तो मैं बोला कि क्यों ना यहीं से ले लूं, बाहर से लेके कोई मतलब नहीं है, ये लोग अपने हिसाब से अच्छे से देंगे जो बेस्ट रहेगा। तो उन्होंने दिया है वो मैं दिखाता हूँ। तो मैं दूध ला के रखा हूँ ऑलरेडी, तो पहले चलते हैं किचन में और किचन में करूंगा दूध गर्म और फिर उसको बनाएंगे अच्छे से और फिर उसको पियेंगे। सो चलो चलते हैं किचन में और शुरू करते हैं तामझाम। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ किचन के अंदर और अभी मैं करूंगा दूध गर्म इसके अंदर और मैं दूध ला के रखा हूँ ऑलरेडी। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा न्यूट्रिशन जो है वो कौन सा है। तो ये है न्यूट्रिशन जो कि मुझे क्लिनिक से मिला और डॉक्टर बत्रा लिखा इधर, तो मैं ये ले रहा हूँ न्यूट्रिशन हेयर के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारा लिखा हुआ है हेयर के लिए है और इसमें क्या क्या है इसके अंदर वो सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसमें से आधा ख़त्म हो गया है और आधा ही बचा है क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्ते से ले रहा हूँ, तो इसके लिए ख़त्म हो गया, आधा ही बचा है, ज़्यादा नहीं है। तो चलो पहले मैं करता हूँ दूध गर्म और दूध गर्म करने के बाद फिर मैं उसको मिलाऊंगा उसमें न्यूट्रिशन। सो गाइस, हो गया हमारा दूध गर्म और दूध को मैं इसके अंदर डालता हूँ, इसको थोड़ा धोना पड़ेगा। सो गाइस, दूध हमारा जो है गर्म हो गया है और मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया, अभी इसको डालता हूँ इसके अंदर। और ये हो गया हमारा गर्म, इसको डाल देता हूँ पानी के अंदर, स्पून नहीं दिख रहा, स्पून इधर है, स्पून है इधर, दूध गिर गया यार, पिछली बार दूध गिर गया था। जब भी आता हूँ ना मैं दूध उबालने के लिए, दूध गिरना ही गिरना है। सो गाइस, ये है एक्चुअली ये वेनिला फ्लेवर है और ये इसमें से डालना है 2 स्कूप डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, तो मैंने 2 स्कूप डाल दिया अभी और इतना ही ना भाई। और ये वेनिला फ्लेवर है तो इसका फ्लेवर भी कुछ खास, मतलब कि ठीक ठाक ही है, कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है वेनिला। और इसको मिला देते हैं अच्छे से। सो गाइस, मैंने डाल दिया इसमें से और मैं अभी इसको थोड़ा अच्छे से मिला लूँगा ताकि ये, और ये काफ़ी गर्म है तो थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसको लूँगा क्योंकि काफ़ी गर्म है अभी। मैं इसको दूध में भी ले सकता हूँ और पानी में भी ले सकता हूँ, बट मैं मोस्टली दूध में ही लेता हूँ क्योंकि पानी में जो डाल के पीते हैं ना फिर उसका जो टेस्ट है बहुत ही अजीब सा रहता है, तो मैं उसको मज़ा नहीं आता पीने में, इसके लिए मैं दूध में ही डाल के पीता हूँ। वेनिला फ्लेवर है तो वेनिला फ्लेवर भी कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक ही है,
चॉकलेट फ्लेवर भी मिल रहा था हमको, बट मैं लिया नहीं, थोड़ा वो महंगा था इसके लिए। तो इसको मैं लेके आ गया रूम के अंदर और आपको दिखा दूँ कितना बचा हुआ। अभी कुछ खास बचा नहीं, थोड़ा बहुत ही है, ये देख सकते हो, ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा बहुत ही बचा है, मतलब मैं ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका हूँ। यहाँ पे जो दिया है इसको अच्छे से लगाना पड़ता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, या तो चींटी घुस जाएगा या तो फिर इसमें मॉइस्चर आ जाएगा अगर इसको सही से बंद नहीं करेंगे तो। गाइस ये हमारा बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल रेडी हो गया, और मैं अभी इसको पीने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद, चूँकि अभी गर्म है, काफ़ी गर्म है, तो मैं थोड़ी देर के बाद जब हल्का ठंडा हो जाएगा उसके बाद इस्तेमाल करूँगा, उसके बाद इसको पीऊँगा। ये हमको मिला था 999 में, और मतलब ठीक ठाक, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, 999 में तो ठीक है। ये बालों के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, तो मैंने सोचा कि मैं ले लेता हूँ, क्योंकि ऐसे सिर्फ दवा खाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ दवा खाते हो ना आप तो कुछ भी नहीं होने वाला, आपको डाइट भी फॉलो करना पड़ता है, और ये सिर्फ न्यूट्रिशन है, और भी बहुत कुछ खाने के लिए डॉक्टर ने बोला है, जैसे कि अंजीर खाना है, अंजीर है और वालनट है, और भी बहुत कुछ है, बट सब कुछ नहीं खा पाता है आदमी, जितना हो सकता है उतना मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। सो गाइस चलो ये था हमारा न्यूट्रिशन का वीडियो, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सो चलो मैं पी लेता हूँ उसको, ठंडा हो जाएगा नहीं तो ज़्यादा। बाय।